नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज शीर्ष अदालत ने बंगाल में कथित कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को वापस लेने का आदेश दिया है। संसद के मानसून सत्र में मणिपुर मुद्दे को लेकर गतिरोध जारी है। इस बीच राज्यसभा में तीखे नोकझोंक देखने को मिले, जहां सदन में जारी हंगामे के बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद डोरेक ओब्रायन ने कुछ ऐसा किया कि सभापति नाराज हो गए और फिर सदन की कार्रवाई को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। मणिपुर मामले के बीच बिष्णुपुर जिले के दो समूहों में हुई गोलीबारी में सेना का एक जवान सहित दो सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। दिल्ली में बोले जापानी विदेश मंत्री हयाशी, कहा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत है जापान का जरूरी हिस्सा। साथ ही उन्होंने कहा कि टोक्यो और नई दिल्ली एक साथ इस क्षेत्र में सहयोग का और विस्तार करना चाहेगा। महिला पहलवान मामले में आरोपित भाजपा सांसद बृजभूषण शरण को अदालत ने एक दिन के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी है। पेश न होने का कारण बताते हुए बृजभूषण के वकील ने अदालत को बताया कि वह सांसद के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में व्यस्त हैं। बिहार के गोपालगंज जिले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां मोहर्रम जुलूस के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 11 लोग झुलस गए, जिसमें 4 की हालत गंभीर है। चारों को गोरखपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु पहुंचकर मेरा देश मेरे लोग पदयात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शाह ने कहा कि सबका साथ सबके प्रयास से देश का हो रहा है चौतरफा विकास। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है और हम रोजाना देश और दुनिया की तमाम खबरें इसी समय पर लाते रहते हैं। पीएम मोदी की ओर से किए गए तीसरे कार्यकाल के दावे पर कई विपक्षी दल के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। वहीं ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख बकरुद्दीन अजमल ने पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के दावे पर तंज कसा है और कहा कि पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की बात उनका सपना है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए वापसी करना आसान नहीं होगा। विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया ब्लॉक के प्रतिनिधिमंडल के मणिपुर दौरे को लेकर भाजपा सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। रवि किशन ने कहा कि विपक्ष जहां चाहे जा सकता है। सांसद ने कहा कि विपक्ष को पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ चीन भी जाना चाहिए। बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर जमकर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ममता बनर्जी से प्रेरणा लेकर बिहार को विपक्षी दलों के नेताओं की कब्रगाह बनाते जा रहे हैं। राज्य में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं की लगातार राजनीतिक हत्या हो रही है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। दिल्ली में भारी बारिश और बाढ़ के बाद अब डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, दिल्ली की मेयर सेली ओब्राय के साथ कई बड़े अधिकारी शामिल हुए, जहां समय रहते डेंगू नियंत्रण को लेकर जरूरी कदम उठाने पर चर्चा की गई। पंजाब की मान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 12,500 शिक्षकों को पक्का कर दिया। सीएम मान ने इस मौके पर कहा कि मैं भी अध्यापक का बेटा हूं, इसलिए मैं उनका दुख समझता हूं। इस दौरान मान ने पिछली सरकारों पर भी जमकर हमला बोला। हरियाणा सरकार ने अपने मूल वेतन में संशोधन की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे लिपिकों के लिए काम नहीं तो वेतन नहीं सिद्धांत लागू करने का फैसला किया है। वित्त विभाग के अवर मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश के अनुसार हड़ताल से आम लोगों को असुविधा हो रही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित सरकारी और वन भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने सभी जिलाधिकारी और प्रभागीय वन अधिकारियों को 4 सप्ताह के भीतर इस आदेश के संबंध में अपने अनुपालन की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के श्रीनिवासन की मुश्किलें बढ़ सकती है, जहां अवैध खनन मामले की जांच कर रही ईडी ने गृह विभाग को पत्र लिखकर श्रीनिवासन पर अब तक दर्ज मामले का ब्यौरा मांगा है। छत्तीसगढ़ में चुनावी वादे को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को अब तक पूरे हुए वादे की सूची भेजी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा नेता कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं।
मध्य प्रदेश में इन दिनों आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। यह बीमारी एक व्यक्ति के पास से दूसरे के पास जाने में जरा भी देर नहीं लगा रही है। प्रदेश भर के अस्पतालों में आई फ्लू के मरीज बड़ी तेजी से पहुंच रहे हैं। इधर NHM ने भी आई फ्लू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान में 29 जुलाई तक राज्य के अधिकांश हिस्से में गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा और प्रदेश के निचले और मध्य पहाड़ी जिले में भारी वर्षा की संभावना जताई है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट की इमारत को शहर के जानीपुर इलाके से बाहु क्षेत्र के रैका में शिफ्ट करने के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जनरल हाउस बैठक होने जा रही है। इससे पहले हुई जनरल हाउस की बैठक में काफी हंगामा हुआ था, जहां निचली अदालतों को भी हाईकोर्ट के साथ रेका में शिफ्ट करने के मुद्दे पर वकीलों के एक वर्ग ने विरोध किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में आरोप लगाया कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी अगले साल के आम चुनाव से पहले राज्य की छवि को खराब करने के लिए लोगों के बीच विभाजन की स्थिति पैदा करने में लगी है। मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट में चल रही खींचतान के बीच प्रफुल्ल पटेल के बयान से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है, जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस साफ कर चुके हैं कि सीएम पद पर एकनाथ शिंदे ही बने रहेंगे, तो वहीं प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि आज नहीं तो कल अजीत पवार सीएम जरूर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन किया और कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए आज रेड कारपेट बिछा रहा है। भारत के पास तकनीक, जनसंख्यांकी, लोकतंत्र और रिफॉर्म के प्रति समर्पित सरकार है। ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए गुड कंडक्टर बन रहा है। कल चुनावी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रमुख JP नड्डा, जहां वह कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और पार्टी नेताओं से अलग अलग मुलाकात भी करेंगे। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने 124 मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार 8 अगस्त 2023 तक ऑफिशियल वेबसाइट www.rcfltd.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब तक आपने मुरमुरे, जिसे यूपी और बिहार में मुरही के नाम से भी जाना जाता है, इसे खाने के नुकसान के बारे में सुना होगा, जैसे गैस और पेट का फूलना इत्यादि। लेकिन क्या आपको पता है कि मुरमुरा टेस्टी होने के साथ ही पचने में आसान होते हैं। इसमें कई पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। ये शरीर को ऊर्जावान रखने के साथ ही वजन कम करने में भी मदद करता है और मुरमुरा खाने से आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वीडियो को शेयर भी किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं, इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और वीडियो को शेयर जरूर कर दे। दोस्तों बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर इसी तरह देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें।